Do I want to say something to my haters? Today I'm back with a video of BBQ Vines, and this is the newest video of BBQ Vines, and this video is light gay. और ये गर्मी का टाइम है और इस टाइम पे अगर लाइट चली जाती है तो वी ऑल नो कि क्या हाल होता है. और अभी भी ओके लाइट है बट फैन एसी नहीं है, सो आई नो क्या हाल होता है गर्मी में. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस. सो टुडेज वीडियो इज लाइट गई एंड थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया कि माइट बी ये गर्मी से रिलेटेड हो, बट आई रियली वॉन्ट टू सी दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. And yes, one more thing is that I want to say something to my haters. Hut. Okay, let's start this video. नहीं वो मजाक में मत लेना, वो seriously बोल रही थी. Hut. Okay, let's start this video. Let's start this video with my people. Hello, how are you? भैया 3 घंटे हो गए light गए हुए. Please बता दो कब तक आएगी. सही. हाँ call back करो, मैं wait कर रहा हूँ. क्या बोला? पता चलेगा तो करेगा कॉल. एक काम कर, पड़ोस में देख के आया, उनके आ रही है नहीं. देख आया हूँ, किसी की नहीं आ रही. नीचे वालों के घर तो आ रही है क्योंकि उनके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है. मैंने 100 बार बोला इन्वर्टर लगवा दो तो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है. पुराने जमाने में भी लोग इन्वर्टर के बिना जी लेते थे. ये सब पुराने जमाने में फ्रिज का पानी नहीं पीते थे. इनको उबला हुआ पानी दो. अरे मजाक मत करो यार, लगवा दो इन्वर्टर. और ये चश्मा अलग सा क्यों लग रहा है? पुराना वाला टूट गया तो lenskart.com से एयरफ्लेक्स चश्मा मंगवा लिया. तुम उस पे बैठ के फिर तोड़ दोगे. जितना भी मोड़ तो टूटेगा नहीं और हल्का भी है, 1 साल की वारंटी के साथ. चश्मा लेने के पैसे हैं, इन्वर्टर नहीं ला सकते. मुझे दिखना बंद हो गया था. काम वाली को तुम समझ के पीछे से गजरा पहनाने वाला था. सूरदास मुझे और काम वाली में कोई फर्क नहीं दिखता. तुमने जो उसको अपनी पुरानी कुर्ती दी थी वही पहन के काम कर रही थी वो. मेरी महक नहीं पहचानते. कुत्ता हूँ मैं. ये दोनों आपस में लगे रहेंगे मामा, करो ना गर्मी का. ऑफिस में दोस्तों के साथ ना मैं समोसे खा रहा था तो जिस पेपर पे समोसा रखा था उसके अंदर ये एड दिखी. एड मर्दाना ताकत की गोली, पानी में ये गोली घोल देंगे शाम को चोली खोल देंगे. अरे ये नहीं, पीछे टॉम क्रूज ट्रेवल्स 3 days 4 nights ऑन अ क्रूज शिप विद फैमिली. बीट द हीट एंड एंजॉय द कूल ब्रीज विद फैमिली. चलते हैं. दीदी फैमिली के साथ शिप पे है, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे. 3 दिन 4 रातें. 3 दिन 4 रातें, 4 रातों के दिन कहाँ गए? मम्मी 4 रातें मतलब चौथे दिन की रात. अरे कहाँ गणित सिखा रहे हैं चौथी फेल को. एक काम करो तुम पैकिंग शुरू कर दो. पापा हम सच में जा रहे हैं. हाँ बेटा लेट्स बीट द हीट. यस और फक इट. ये कहाँ पढ़ लिया आपने? व्हाट्सएप पे आया था. मामा क्रूज पे जाएंगे. मैं फेसबुक पे स्टेटस डाल देता हूँ. गोइंग ऑन अ क्रूज ट्रिप विद फैमिली, फीलिंग एक्साइटेड. With 69 others. जब से दिल धड़कने तो दिखी है तब से यॉट पे जाने का मन था. उसको यॉट कहते हैं और भांजे बहुत मजे आएंगे. आसपास में समुद्र दिखेगा. क्या दिखेगा? समुद्र. इतने दिन लैटरिन कैसे रुकेंगे? अरे वहां पे सुविधा होती है उसकी, और वैसे भी इतना बड़ा समुद्र है तो उठाएंगे. आनंद आनंद ही उठाना, धोती मत उठाना. मैंने इतना बड़ा जहाज सिर्फ टाइटैनिक में देखा था. उतना ही बड़ा जहाज होगा दीदी. मुझे ना हमेशा से तेरे जीजा जी के साथ वो टाइटैनिक वाला पोस्ट करना था. गाड़ी वाला, हाथ फैलाने वाला. अरे अरे कहाँ इस उम्र में रेलिंग पे खड़े होंगे. पैर फिसल के तो सीधा पानी में गिरेंगे. जिंदगी भर के लिए गर्मी से मुक्ति. अरे बनछोड़ रास्ते भी तो पूछ चलेगा. उसका पेट खराब है वैसे, पूछ लेता हूँ. कोई जरूरत नहीं है बेटा, आराम करने दो उसको. वहाँ नहीं तो पूरा टाइम हफ्ता रहेगा. वहाँ स्वीट बंदा है. स्वीट है तो क्या हुआ? अबूम से टट्टी निकलेगी, गन्ने का जूस नहीं. खाने के लिए क्या लेना है उस हिसाब से तैयारी कर दूंगी. दीदी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ हमें अपना पर्सनल बावर्ची मिलेगा. तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. जो बोलोगी बना के देगा. फिर मैं 3-4 डब्बे रख लेती हूँ, खाना पैक करवा के घर ले आऊंगी. हफ्ते भर की टेंशन खत्म. अरे कविता से भी तो पूछो, वो भी तो चलेगी. हाँ मम्मी भी चलेगी सर. जीजा जी कहाँ टाइम हुआ उसके पास? हाई कोर्ट की जज बन गई क्या? उसको बोलो चुपचाप पैक कर रहा हूँ, चलेगी. फैमिली ट्रिप है यार, बीट द हीट. यस और फक इट. अरे बार बार मत बोलो. तुम्हें सामान पैक कर लूँ? हाँ दीदी पैकिंग शुरू कर दो. मिला बढ़िया फोटोज खींचेंगे. मैं भी अपने फेसबुक पे डाल दूंगा और लिखूंगा भटकती हवस. क्या
अरे वो बनछोड़दास डालता रहता है ना बार बार वांडरलस्ट, तो मैंने उसका मतलब पूछिए व्हाट्सएप पे। आप प्लीज उससे बातें मत किया करो, गलत सलत इंग्लिश बताता है आपको। इसको चौक मेट्रो के आगे गया नहीं, वांडरलस्ट लिखता रहता है। चूतर ना गुची बातें ऊंची ऊंची है वांजे, इसका नंबर लिख डिटेल से, समोसे के पैसे वसूल हो गए। हेलो, टॉम क्रूज ट्रैवल से बात कर रहे हैं? हां बोलिए। हां जी टॉम जी, वो आपका एड देखा था पेपर में, 3 days 4 nights वाला। हां डेट्स फ्लेक्सिबल है मेरे लाइन स्टार्ट की तरह। भाई साहब चड्डी बनियान लेनी है तो बताओ। मतलब आप टॉम क्रूज ट्रैवल से बात कर रहे हैं ना? काहेगा ट्रैवल सब ठप हो गया। 3 साल पहले हमारा एक क्रूज शिप डूब गया था, 4 लोगों का फैमिली था, सब 6 फुटी है, अब 4.5 फुट के रह गए। क्यों? शार्क ले गया नीचे का हिस्सा। फिर क्या, जेल हो गई, हमें सजा काट के आए हैं परसों। वो पेपर वाला एड? पेपर वाला एड तो 3 साल पहले छपवाए थे। 3 साल पहले? अरे समोसा तो कल खाया था। अरे तो अखबार पुराना इस्तेमाल नहीं हो सकता। अरे मैंने भी नहीं सोचा यार, स्टेटस ऑन डाल दिया तो हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मामा? भाई नसीब को कोस के क्या फायदा जब घर के लोग ही मुद्दे। हाँ कोई फिल्म दिखा दे। चलो नहीं देखी मुझे तो एक काम करते हैं, टीवी पे न्यूज देख लेते हैं, क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए। लाइट नहीं आई अभी तक और वैसा भी मीडिया वाले कुछ नहीं दिखाते आजकल। 9 बजे 5-6 लोग बैठ के ऐसे चिल्लाते रहते हैं, कोई ढंग से सभ्य तरीके से डिस्कशन ही नहीं करता। सबको ICC के ग्लव की पड़ी है, हमारी आर्मी हमारे जवान। अरे एक दो न्यूज चैनल को छोड़ के किसी ने वो जो एयरफोर्स का जहाज लापता हुआ था उसके बारे में 1 हफ्ते तक कवरेज ही नहीं की। वो जो 13 बंदे शहीद हुए उनके बारे में क्यों बात करेंगे, वो थोड़ी TRP देंगे। आइसक्रीम खिलाता हूँ, समोसे लेते आना। दोनों भांजा मामा गुस्सेल है, एक मैंगो शेक बना दो जरा। लाल भैया ये वो भी गुस्से है, पागल है। बहुत सही था ये वीडियो, लाइक सच में। मतलब स्टार्टिंग में उसको बिल्कुल यूँ लग गया था कि वो सच में ट्रिप पे जा रहे हैं और गर्मी में किसी ऐसी जगह पे जाने का मौका मिले डेफिनेटली कौन छोड़ेगा। यहाँ पे तो पूरा बोट पे जाने का और पूरा प्लान हो गया था। मतलब सच में अगर अपन कोई चीज़ खा रहे हैं और उसके पेपर पे कुछ ऑफर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसका डेट देखना ज़रूरी है, लेकिन वो डेट देखी नहीं गई और घर में पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ हो गई कि भाई हम लोग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरी प्लानिंग हो गई, पैकिंग तक की प्लानिंग हो गई। लोगों ने कॉल लगाया वहाँ पे, तब उनको पता चला कि ये जो न्यूज़ है वो 3 साल पुरानी है। ये 3 साल पहले किसी वेकेशन की स्कीम वगैरह देते थे लोगों को, तो उसके अंदर लोग गए और ये सारी न्यूज़ वो लोग सोच रहे थे कि अभी ये प्रेजेंट में ऑफर है तो जाना चाहिए ये वो सब। भाई साहब जब वो लोग वहाँ पे कॉल करते हैं तब वो अगला बंदा बोलता है कि ये भाई 3 साल पुरानी न्यूज़ है, ये 3 साल पहले ये सारी स्कीम चली थी और ये सारी जो भी वेकेशन की चीज़ें हैं ये सारी 3 साल पुरानी थी। तो वो लोग सारे के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये सारी न्यूज़ कौन देता है? भुवन के पापा। तो भुवन के पापा भी सारे के सारे भड़क जाते हैं, सारे उसकी मम्मी भी, सब के सब। तो लाइक दैट सिनेरियो दैट देखने लायक था और उसके अंदर जो उसको डांट पड़ती है भाई, मतलब सबको इनवाइट कर दिया जाता है सबको। आई रियली लव दिस वीडियो एंड आई जस्ट लव एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो भुवन मॉम प्ले करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये वाला रोल है इसका पार्ट कुछ कम है या फिर ये वाला रोल है इसका मतलब ये वीक है या फिर इसका कुछ, लाइक कोई भी अगर एक भी कैरेक्टर इधर से उधर हुआ ना तो लगता है कि यार कुछ कमी है। बट बहुत अमेजिंग इन्होंने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं वो सच में बहुत ज़्यादा सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भुवन मॉम अपने ये वीडियोज़ के अंदर और ज़्यादा कैरेक्टर्स लाते रहेंगे। सो आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव एवरी सिंगल थिंग एंड आई जस्ट लव स्पेशली हिज एक्टिंग। सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो आई जस्ट लव दिस वीडियो, सो वॉट्स योर व्यूज एंड वॉट यू वॉन्ट टू से अबाउट दिस वीडियो और अबाउट माई रिव्यूज एंड रिएक्शन। सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू हैव एनी वीडियो जिसपे आप चाहते हो कि मैं रिएक्शन दूँ या फिर कुछ भी, सो प्लीज जस्ट पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई जस्ट लव यू गाइज एंड थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत जल्दी 1 lakh क्रॉस करने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस, सो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, लव यू सो मच, लव यू सो मच गाइज एंड जस्ट बी विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल योर प्रेशियस टाइम। सो आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइज एंड बाय बाय। Talk back.
find someone new. Baby, but you know.